अगर मैं सच में बताऊं तो भारत वैसे ही बहुत खूबसूरत है, और हमारे देश में मैं हर किसी से यही कहूंगा कि आप लोग असम एक बार ज़रूर आएँ। मैं पहली बार आया, आने के बाद एक अलग फ्रेशनेस, और फ्रेशनेस तब और हो जाती है जब चाय की बात आती है। और आप सभी लोगों को पता होगा कितना मशहूर है असम चाय के लिए। और सबसे अच्छी बात मेरे को अब लग रही है कि स्पोर्ट्स में जिस तरीके से असम आगे बढ़ रहा है, तारीफ़ है उन सभी एथलीट्स को और उन सभी लोगों को जो उनको बनाते हैं, जो उनके आगे बढ़ने में सहयोग करते हैं, खास करके अम्लान जैसे लोग। अम्लान के साथ मैं बहुत पहले से कनेक्ट हूँ, और अयान फाउंडेशन जो है जिसके थ्रू पूरी टीम काम करती है, और इस समय CPL 2023 का जो आयोजन हुआ है, हालांकि सबसे पहले मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं यहाँ कॉमेंट्री करने के लिए आया हूँ। लोगों का जो प्यार है जो असम में मेरे को मिल रहा है, मतलब उसका कोई मीटर नहीं है कि आप उसको कैसे तोलोगे। कल से लेके अभी तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में हूँ। और अम्लान और इनकी पूरी टीम जिस तरीके से इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रही है, मैं हमेशा कहता हूँ एक ही चीज़ कि अगर आप शुरुआत बहुत बेहतरीन करते हैं ना, तो फिर उसके एडिशन बनते चले जाते हैं। और एक चीज़ मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये है इनॉग्रल एडिशन, शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आने वाले समय में ये टूर्नामेंट ऐसी ऊँचाइयाँ पकड़ेगा कि भारत के हर राज्य में, पूरे भारत में और विश्व स्तरीय कई जगह पर CPL की चर्चा होगी आने वाले एडिशन में। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे साथ इंटरनेशनली भी कनेक्ट हैं। बाकी अम्लान आप ही बताओ यार, अम्लान ने किस तरीके से जर्नी शुरू की है। एक और सवाल है जी, आपका आवाज़ पूरा इंडिया सुनता है, लेकिन आज असम में आए हैं, आपको अब हमारे कैमरे में आप कैद हो गए हैं, क्या कहेंगे असम के लोगों को, क्या कहेंगे? असम के लोगों को मैं यही कहूँगा कि जो जोश असम वालों के अंदर है, इसको बरकरार रखें। और जब अच्छी आवाज़ें मेरे को सुनने को मिलती हैं, जब मैंने स्टार्ट की कमेंट्री, अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, लोगों ने जो शोर मचाया है वो शोर पूरे भारत में सुनाई देगा एक दिन। असम के लोग वैसे ही बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो ऐसी एनर्जी बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें। और जब कई बार आपको क्राउड और ऑडियंस अच्छी मिलती है ना, तो आपकी एनर्जी लेवल और बढ़ जाती है, और मेरे साथ ऐसा ही होता है। नहीं हूँ जो लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि जब टीम जीतती है तो आप ही टीम को सपोर्ट करते हैं, और सिर्फ एक मैच से अगर आप ऐसे स्टेप लेते हैं तो वो बताते नहीं कि आप ट्रू फैन हैं। क्योंकि एक फ़ैन वही होता है, एक सपोर्टर वही होता है, एक दर्शक वही होता है, क्रिकेट प्रेमी वो होता है जो खेल से लगाव कर ले, खेल को अपने खून में बसा ले। और जब खेल आपके खून में हो, क्रिकेट जो कि एक वैसे भी रिलीजन माना जाता है पूरे भारत में, आप उस रिलीजन के रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे फैसले लेना, मैं बिल्कुल इसके विरोध में रहता हूँ। आप यहाँ में कितने दिन रहेंगे? 3 दिन यहाँ भी रहेंगे क्या? मेरी कोशिश यही है कि मैं पूरा टूर्नामेंट करके जाऊँ यहाँ से, लेकिन मैं अगेन वही चीज़ करूँगा कि जब आपकी ओपनिंग अच्छी हो जाती है ना, आप आते हैं, आपको जिस तरीके से सपोर्ट मिलता है वो सबसे अलग होता है। और मैं ये कहूँगा कि मैं आया पहली बार हूँ, लेकिन अब बार बार आते रहूँगा। नेक्स्ट आपका क्या प्रोग्राम है? अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ है 23 तारीख से, तो मैं कमेंट्री करने के लिए जा रहा हूँ, और मैं आप लोगों को भोजपुरी कमेंट्री में नज़र आऊँगा, एंकरिंग और कमेंट्री दोनों चीज़ें करते हुए। तो आप लोग जुड़िएगा और भारत को सपोर्ट कीजिए। भारतीय टीम विजेता टीम है, चैंपियन टीम है, किसी को डिसहार्डन होने की जरूरत नहीं है, हेड हाई करके चलिए। हम वो टीम है जिसने लगातार 10 मैचेस जीते हैं, आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है, तो इतिहास बनाना हम जानते हैं और इतिहास आगे बनाते रहेंगे। हम लोग सोच भी रहे थे कैसे रिकवर किया जाए, और सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि हमारी इंडियन टीम हमेशा से चैंपियन रही और हमेशा चैंपियन रहेगी। एक मैच डिसाइड नहीं कर सकता कि आपकी टीम कैसी है, आपके खिलाड़ी कैसे हैं, हमेशा वो आपको हेड हाई करके चलना है, भले वो इंडियन टीम के प्लेयर्स हों या इंडियन टीम के सपोर्टर्स हों। बीइंग ए सपोर्टर, बीइंग ए कमेंटेटर, मैं यही कहूंगा कि टीम ने जो खेला है वो किसी टीम ने नहीं किया है। एक मैच आपका रिजल्ट डिसाइड करता है बस, लेकिन जर्नी डिसाइड नहीं करता। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि फेलियर इज़ नॉट ए पर्सन, फेलियर इज जस्ट एन इवेंट। तो मैं यही कहूँगा कि उसके बाद अगर कुछ लोग रिकवरी करना चाहते हैं, असम के लोग हैं, वर्ल्ड कप के बाद तो CPL देखने के लिए आए यहाँ पे और आनंद उठाए, क्योंकि अभी 3 दिन ना बहुत एनर्जी लगने वाली है।